like a Hellcat. सो ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन करेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिन ह्यूक, जो एक बस में कुछ फ्लावर्स लेकर बैठा हुआ होता है कि तभी उस बस के टायर पंचर हो जाने की वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड अंदर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कभी इस साइड गिरने लग जाते हैं तो कभी उस साइड, जिससे कि सबको लगने लग जाता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। और साथ ही वो बस सामने खड़ी एक बच्ची और उसकी मॉम को भी टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी एक लड़की पीछे से उस बस को अपने हाथों से रोक लेती है, जिससे कि उस बच्ची और उसकी मॉम की जान बच जाती है एंड अंदर बैठे सभी लोग शांत हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर बस रुकी कैसे। पर इस ड्रामे का मेन करेक्टर यानी मिन ह्यूक उस लड़की को बस की विंडो से पीछे से जाता हुआ देख लेता है एंड उसका फेस देखने ही वाला होता है कि तभी फोन कॉल की रिंग बज जाने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है, जो कि एक ब्लैकमेलर की होती है। मिन ह्यूक चिढ़कर उस ब्लैकमेलर से पूछता है कि क्या ये कोई टाइम है किसी को कॉल करने का, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं उस लड़की का पूरा चेहरा नहीं देख पाया। जिस पर वो ब्लैकमेलर सीरियस होकर मिन ह्यूक को उसकी कंपनी से रिलेटेड कुछ धमकियां देने लग जाता है, पर मिन ह्यूक उसकी पूरी बात सुने बगैर ही कॉल को कट करके रख देता है। देन नेक्स्ट डे हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है बोंग सून, जो अपने नाम के ही जैसे एक एरिया यानी बोंगडोंग में रहती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने घर में बैठकर अपना रेज्यूम फॉर्म फिल कर रही होती है, क्योंकि बोंग सून को उसकी गलतियों की वजह से उसको आए दिन जॉब से निकाल दिया जाता है। और फिर वो हमें यहाँ एक बहुत पुरानी मैजिकल बुक दिखाती है और बताती है कि वो और बाकी सब लोगों से काफी अलग है, मतलब कि उसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं और उसे ये सब पावर्स अपनी मॉम से मिली हैं और उसकी मॉम को उनकी मॉम से, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन इनकी फैमिली की हर लड़की को ये अनोखी पावर्स दी जाती हैं, पर इन्हें इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना होता है, बट अगर ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद के भले के लिए करेंगी तो एक श्राप के हिसाब से इनसे इनकी पावर्स छीन ली जाएंगी। और बिल्कुल ऐसा ही बोंग सून की मॉम के साथ हुआ था, मतलब कि जब तक वो अपनी पावर्स का यूज करके देश का नाम रोशन कर रही थी तो तब तक तो सब कुछ सही चला, पर जब उन्होंने अपनी ताकत से लोगों को डरा धमका के उनसे उनके पैसे छीनने शुरू किए तो उस मैजिकल बुक के हिसाब से उनकी शक्तियाँ उनसे छीन ली गईं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई और बहुत ही ज्यादा रोने लगी। फिर कुछ टाइम बाद एक आदमी यानी बोंग सून के डैड से उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद उनके घर दो बेबीज हुए, एक बोंग सून और दूसरा उसका छोटा भाई, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है यानी उसके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं है, बट बोंग सून ने तो पैदा होते ही डॉक्टर के एक जोरदार पंच मार दिया था और बस बचपन से ही बोंग सून को अपनी मॉम के फोर्स करने पर अपनी ताकतों को दुनिया से छुपाकर रखना पड़ता है। फिर बोंग सून हमें बताती है कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ऐसी कोई भी जॉब नहीं होगी जो कि उसने नहीं की, जैसे कि कॉल सेंटर, सेल्स वुमेन और यहाँ तक कि खेती भी, पर उसकी शक्तियाँ लाख छुपाने पर भी लोगों के सामने आ ही जाती थी, जिससे कि उसे काम छोड़ना पड़ जाता था। पर बोंग सून को गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसे सीखने की वो गेम डिजाइनिंग क्लासेस भी लेती है, क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ कर सकती है जो कि वो रियल लाइफ में करना चाहती है एंड इसलिए उसका ड्रीम है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें वो खुद मेन करेक्टर हो। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से मेन करेक्टर को दिखाया जाता है यानी मिन ह्यूक, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एनसॉफ्ट गेमिंग कंपनी का सीईओ है। वो एक पब्लिक पार्क में होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि एक अनजान आदमी बहुत देर से उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से उस आदमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है, बट काफी देर तक उस आदमी के पीछे भागने के बाद वो आदमी मिन ह्यूक से बचकर भाग जाता है, इसलिए मिन ह्यूक तभी अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि उसे जल्द से जल्द एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक ट्रक ने पूरे रोड को जाम कर रखा होता है, जिसे देखकर एक स्कूल बस का ड्राइवर उन लोगों से ट्रक को हटाने के लिए बोलता है, बट अब क्योंकि वो लोग गैंगस्टर होते हैं इसलिए वो उस आदमी की बिना एक बात सुने ही उसको मारने लग जाते हैं, जिसे देखकर बस में बैठे सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि तभी वहाँ बोंग सून भी आ जाती है, जो कि अपनी बाईसाइकिल से उसी रोड से कहीं जा रही होती है, तो वो देखती है कि एक आदमी दूसरा आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपना फोन बाहर निकाल कर पुलिस स्टेशन में कॉल करने लग जाती है कि तभी इन गैंगस्टर्स का लीडर वहाँ आ जाता है
और बोंगसून से उसका फोन छीन कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि बोंगसून के फोन की स्क्रीन टूट जाती है। इसलिए वो अपने फोन को उठाकर उस आदमी से अपने फोन को ठीक कराने के लिए पैसे मांगती है, बट ऑब्वियसली वो गैंगस्टर मोबाइल को ठीक कराने के पैसे देने से साफ मना कर देता है। कि तभी वहाँ मिनहयुक भी आ जाता है, जो अपनी कार से उसी रोड से गुजर रहा था, जहाँ वो देखता है कि एक गैंगस्टर एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहा है और दूसरा वाला एक लड़की से बदतमीजी कर रहा है। इसलिए मिनहयुक भी अपना फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने लग जाता है। एंड वहीं जब बोंगसून अब भी उस गैंगस्टर से अपने फोन ठीक कराने के पैसे मांग रही होती है कि तभी वो बोंगसून को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे कि बोंगसून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सबर खो देती है और फिर पलट के उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि उसके सभी दांत टूट के बाहर निकल जाते हैं और फिर बोंगसून उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जिसे देख उस आदमी के सभी साथी बोंगसून के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, पर बोंगसून उन दोनों के पैर को कुचल देती है और फिर एक को उठाकर इस साइड फेंकती है तो दूसरे को उस साइड, जिसे देखकर मिनहयुक के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वहाँ पहले वाला गैंगस्टर आता है, जिसे देख बोंगसून उससे भी अपने फोन के पैसे मांगने की कोशिश करती है, पर उस गैंगस्टर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वहीं उसके दोस्त उसको इशारों में उस लड़की से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं, पर वो उन सब की बिना सुने ही जैसे बोंगसून को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी बोंगसून उसका हाथ पकड़ के उसे मोड़ देती है, जिससे कि उसके हाथ की सभी उंगलियां मुड़ जाती हैं और वो तड़प के बहुत जोर से चिल्लाता है, तो बोंगसून उसे सॉरी बोलते हुए उसकी उंगलियों को ठीक करने लग जाती है। और वहीं मिनहयुक भी ये सब देखते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की है कौन। के तभी फिर से एक के बाद एक गैंगस्टर बोंगसून के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, पर बोंगसून अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी को सबक सिखा देती है और उन्हें उठा उठा कर दूर फेंक देती है, जिससे इनके बेचारे लीडर की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है एंड सभी बच्चे बोंगसून के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और वहीं मिनहयुक भी अभी तक शॉक हुआ वह बोंगसून को देख रहा होता है, क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कि तभी जब बोंगसून टर्न होके आगे की ओर आने लग जाती है तो मिनहयुक बोंगसून को देखता ही रह जाता है एंड पहली नजर में ही बोंगसून से अट्रैक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी गैंगस्टर्स और बच्चे पुलिस स्टेशन में होते हैं एंड बोंगसून के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ हमें इस ड्रामा के सेकंड मेल करेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है गुक डू, जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और वहीं गेट के बाहर खड़ी बोंगसून खुद से ही बड़बड़ा रही होती है कि अब गुगडू उसके बारे में क्या सोचेगा, इसलिए अब मैं क्या करूं। जिसको ऐसे घबराते हुए मिनहयुक भी उसे देख रहा होता है और फिर बोंगसून अपने हेयर ठीक करके और माउथ फ्रेशनर लगाकर अंदर चली जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि यही थी जिसने हमारी ऐसी हालत की। और बोंगसून को देख देख कर बहुत ही ज्यादा डरते हैं, पर किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। एंड जब गुगडू बोंगसून का स्टेटमेंट ले रहा होता है तो बोंगसून बस उसे ही देखी जा रही होती है और अपने अलग ही ख्यालों में खो जाती है। गुगडू उन सभी गैंगस्टर का स्टेटमेंट पढ़ के बोलता है कि ये क्या बकवास है, मतलब कि एक कमजोर लड़की इतने लोगों को कैसे मार सकती है। पर फिर वो बोंगसून को समझाता है कि वो चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उन सभी गैंगस्टर्स का यही स्टेटमेंट है, जिसे कि उसे जेल भी हो सकती है, पर वो आदमी मिल जाए जिसने हमें कॉल की थी तो उसके एज ए विटनेस होने से कुछ हो सकता है। कि तभी मिनहयुक भी वहां आ जाता है और बोलता है कि उसी ने कॉल की थी और फिर वो सबको बताता है कि बोंगसून निर्दोष है, क्योंकि ये सब तो खुद ही आपस में लड़ रहे थे। जिसे सुनकर वहाँ का सीनियर ऑफिसर बोलता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक मासूम सी लड़की इतने हट्टे कट्टे लोगों को कैसे मार सकती है। जिसके बाद वो सीनियर पुलिस ऑफिसर बोंगसून को वहाँ से जाने देते हैं। तो जब बोंगसून वहाँ से जा रही होती है तो मिनहयुक जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है वो उसे रोक कर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। जिस पर बोंगसून उसे घूरते हुए उससे पूछती है कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने अंदर झूठ क्यों बोला। मिनहयुक बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, पर तुम तो बिना थैंक्स बोले ही जा रही हो।
तो बोंगसुंग बोलती है कि अगर तुम वहाँ थे और देख रहे थे कि एक लड़की अकेले ही उन सब का सामना कर रही है, तो तुम्हें रियल मैन की तरह वहाँ आकर मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए था। जिसके बाद बोंगसुंग ये सब बोल के वहाँ से गुस्से से आगे चली जाती है, जिसे देखकर सेक्रेटरी बोलता है कि कितनी अजीब लड़की है। तो मिनहुक बोलता है कि नहीं, ये तो कितनी सेक्सी है। और फिर वो कार में बैठकर बोंगसुंग को जाते हुए देखने लग जाता है, जिसको देखते हुए वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट डे हमें बोंगसुंग के डैड को दिखाया जाता है, जिनका एक वॉलनट कैफे है। कि तभी वहाँ बोंगसुंग की मॉम आती हैं और उसके डैड के कमाए हुए सारे पैसे मांगने लग जाती हैं, जिससे कि हमें यहाँ ये पता चलता है कि भले ही बोंगसुंग की मॉम अपनी सारी पावर्स खो चुकी हैं, पर लोगों से पैसे छीनने की आदत उनकी अभी तक गई नहीं है। और फिर वो बोंगसुंग को देखकर उसको उल्टा सीधा सुनाने लग जाती हैं कि पता नहीं कब इसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी और इसके ऊपर से बेरोजगारी का टैग हटेगा, और उससे बोलती हैं कि अगर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है तो वो किसी से शादी कर ले, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके पास बहुत सारा पैसा हो पर अकल नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी डॉक्टर्स उन गैंगस्टर्स की इंजरीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हुए हुए होते हैं और बोलते हैं कि कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है, मतलब कि देखो तो पहले इनकी हड्डियों को तोड़ा गया है और फिर बाद में वापस जोड़ भी दिया गया है, ऐसा कौन कर सकता है। और इन सब की बातें वहाँ खड़ा एक दूसरा डॉक्टर भी सुन रहा होता है, जिसका नाम है बोंग गी, जो कि बोंगसुंग का ही छोटा भाई है। फिर हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक किडनैपर दो बच्चों को किडनैप करके उन्हें कार में बिठाकर कहीं जा रहा होता है, जिसमें से एक बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और उसकी बहन उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और उस किडनैपर से कार रोकने के लिए भी बोलती है, जिस पर वो किडनैपर उन दोनों बच्चों को धमकी देने लग जाता है कि अगर वो चुप नहीं होंगे तो वो उन्हें जान से मार देगा, जिसे सुनकर उस बच्ची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पैर से कार का गेट तोड़ देती है एंड अपने भाई का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाती है। जिन्हें भागता हुआ देख वो किडनैपर उन दोनों को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो बच्ची अपने एक ही हाथ से उस पूरी कार को रोक देती है, जिसके बाद फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बोंगसुंग ही थी एंड वो छोटा लड़का उसका भाई, जो कि अब एक डॉक्टर है। और वो बोंगसुंग से बोलता है कि उसने अपनी लड़ाई की वजह से उन सब गैंगस्टर्स को अपनी पावर्स के साथ मारा था, तो शायद कल के बाद वो अपनी सारी पावर्स खो देगी, जिसे सुनकर बोंगसुंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर जब सुबह उठकर वो जल्दी से अपने पावर्स चेक करती है एक स्पून को मोड़ के, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि उसकी पावर्स अभी उससे छीनी नहीं गई हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ हमें मिनहुक को दिखाया जाता है, जो कि धमकी वाली कॉल्स के बाद उस स्ट्रेंजर को लेकर काफी ज्यादा वरिड होता है कि तभी फिर उसका सेक्रेटरी उसको बॉडीगार्ड की लिस्ट लाके दिखाता है, जिनकी फाइल्स देखकर उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ बोंगसुंग ही चल रही होती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की को ऐसे फाइट करते हुए या फिर इतना ताकतवर नहीं देखा था। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से बोल के पुलिस स्टेशन वाली लड़की को ढूंढ के लाने के लिए बोलता है। पर जब सेक्रेटरी बोंगसुंग के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो गुगडू सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि ये उसके रूल्स के खिलाफ है। तो फिर मिनहुक खुद से अपने पैसों की पावर का यूज करके इनके पुलिस स्टेशन के सबसे सीनियर ऑफिसर से बोंगसुंग का नंबर ले लेता है। देन सेक्रेटरी के बुलाने पर बोंगसुंग भी उससे मिलने के लिए आ जाती है और सेक्रेटरी उसे पूरी बात बताते हैं। पर पहले तो बोंगसुंग किसी की भी बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार नहीं होती है, पर फिर बड़ी पेमेंट मिलने और एनसॉफ्ट कंपनी का नाम सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाती है, क्योंकि शुरू से ही एनसॉफ्ट कंपनी में काम करना उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम है। जिसके बाद बोंगसुंग सेक्रेटरी के साथ
एनसॉफ्ट कंपनी आ जाती है, जहां मिनहक उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए पहले उसका टेस्ट लेने के लिए बोलता है और फिर वो बोंगसून के साथ पंजा लड़ाने की कोशिश करता है। पर बोंगसून कोई आम लड़की थोड़ी है जो मिनहक से हार जाती, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी मिनहक बोंगसून को हरा नहीं पाता है, उल्टा खुद ही अपने हाथ पे चोट मार लेता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। पर वो बोंगसून के सामने खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है, और फिर सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट फाइल मंगवा कर बोंगसून से उसके ऊपर साइन करने के लिए बोलता है, जहां 60 लाख जैसी इतनी बड़ी रकम देखकर बोंगसून के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। मिनहक का सेक्रेटरी इशारों में बताता है कि वो ये सब करके गलती कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से तो बोंगसून एक कमजोर लड़की है। इसलिए मिनहक अपने सेक्रेटरी का डाउट दूर करने के लिए उसे बोंगसून के साथ चिकन फाइट करने के लिए बोलता है, जिस पर सेक्रेटरी हंसते हुए बोलता है कि वो कमजोर लोगों और लड़कियों के साथ फाइट नहीं करता है। पर जब मिनहक बोलता है कि अगर तुमने इसे हरा दिया तो मेरी ब्रांड न्यू कार तुम्हारी, तो ये सुनकर सेक्रेटरी जल्दी से चिकन फाइट के लिए मान जाता है एंड बोंगसून के कहने पर वो सेक्रेटरी को हेलमेट भी पहनवा देता है। तो जब जैसी सेक्रेटरी पूरी एनर्जी के साथ बोंगसून को गिराने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी बोंगसून के एक हल्का सा टच करने पर ही वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह स्लो मोशन में वहां से दूर जा गिरता है, जिसे देख वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं एंड फिर बेचारे सेक्रेटरी को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जिसके जाने के बाद बोंगसून मिनहक उससे पूछती है कि अगर वो बॉडीगार्ड की जॉब में अच्छी रही तो फिर क्या वो उसे अपनी कंपनी के गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सीट दिलवा देगा, क्योंकि एनसॉफ्ट कंपनी में रहकर गेम डेवलप करना मेरा एक बिग ड्रीम है, जिसके लिए फिलहाल तो मिनहक मान जाता है। देन आफ्टर इंटरव्यू जब बोंगसून अकेले वापस घर जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए जब जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है, जिसके बाद बोंगसून अपने घर पहुंच जाती है कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद वहां गुगडू आता है और बोंगसून को एक इलेक्ट्रिक स्टनर देता है, ये बोलकर कि जिस दिन वो पुलिस स्टेशन में उन सब लोगों से मिली थी वो सब बहुत ही खतरनाक लोग थे, इसलिए वो अपना ख्याल रखे और ध्यान से घर आए। एंड यहाँ हमें ये पता चलता है कि गुगडू बोंगसून का चाइल्डहुड फ्रेंड है फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, जो कि बोंगसून के पड़ोस में ही रहता है एंड जिसे बोंगसून वन साइड लव करती है। पर गुगडू को अभी बोंगसून की पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और अब क्योंकि गुगडू बोंगसून को सिर्फ अपनी दोस्त मानता है, इसलिए वो उसकी पूरी बात सुने ही वहाँ से चला जाता है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर बोंगसून थोड़ा बहुत अपसेट होती है। देन हम देखते हैं कि उसी स्ट्रीट से एक दूसरी लड़की वापिस अपने घर जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करने लग जाती है। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस आदमी से बच नहीं पाती है एंड वो आदमी उस लड़की को पकड़कर उसका मुंह भींच देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की का बहुत बेरहमी से मर्डर हो चुका है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि उनके एरिया में ऐसा कौन कर सकता है। नेक्स्ट डे जब बोंगसून मिनहक के ऑफिस जाती है तो वो स्क्रीन पर लगी एक भयानक तस्वीर देखकर डर जाती है और मिनहक से इसके बारे में पूछती है, तो फिर मिनहक उसे बताता है कि उसने इसी वजह से उसको यहाँ बॉडीगार्ड की जॉब पर रखा है, क्योंकि 2 महीनों से उसे कोई कॉल करके धमकियां दे रहा है और साथ ही रोज कोई उसका पीछा भी करता है, जिसे सुनकर बोंगसून उसे पूछती है कि तो फिर तुमने अभी तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई, जिस पर मिनहक बोलता है कि क्योंकि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद से उस ब्लैकमेलर को पकड़ना चाहता है, और फिर वो बोंगसून से पूछता है कि क्या वो इस काम में उसकी हेल्प करेगी, जिसके लिए बोंगसून मान जाती है। एंड फिर जब ये दोनों मिनहक के ऑफिस में उसी कल रात वाली मर्डर के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं कि तभी मिनहक के पास फिर से किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसे वो स्पीकर ऑन करके रख देता है, जो कि उसी ब्लैकमेलर की होती है, और वो मिनहक से बोलता है कि तुम अभी तक मेरी बातों को हल्के में ले रहे थे ना, तो अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, जिसे सुनकर मिनहक के साथ साथ बोंगसून भी काफी ज्यादा हैरान होती है और एक दूसरे को हैरान होकर देखने लग जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।